आनंद, कहां से आ रहा है? काम से बाहर गया था। रत्ना आई हुई है? ये लिपस्टिक का निशान धो ले या फिर मुझे शर्ट दे दे, मैं धो दूंगी। बेचारी पिया वैसे ही परेशान है, अगर उसने ये देख लिया तो। पिया कहाँ है? पिया अभी तक नहीं आई। क्या इसका मतलब सुबह से अब तक तूने उससे बात नहीं की? एक बार फोन करके कोशिश नहीं की जानने की कि वो घर पहुंची कि नहीं पहुंची? अरे उसकी तबीयत खराब है आनंद, क्या हो गया है तुझे? माँ मैंने बार बार फोन करने की कोशिश की लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठाती है, मैं क्या करूं? आनंद तू बड़ा हो गया, समझदार भी हो गया, इतना तो जानता ही होगा कि जरूर तूने कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसकी वजह से वो बात नहीं करती, वरना वो पागल तो नहीं है? देख, यूं गुस्सा करने से, अपने आप को जख्मी करने से तू अपनी गलती छुपा नहीं सकता, बल्कि उसका ढिंढोरा पीट रहा है। तो बाहर तमाशा होने लगा है, लोग देखने भी लगे हैं और बातें भी करने लगे। अगर तेरे पापा कभी ऊंची आवाज में बात करते तो तू नाराज हो जाता है कि घर की आवाज बाहर क्यों जा रही है और आज तू ही। ये सारा मेरा कसूर है, मैं ही कसूरवार हूं, लेकिन मैं क्या करूं? सिर्फ मान लेने से पिया की सजा कम नहीं हो जाती। तूने उसे बिना कारण सजा दे रखी है और वो बेचारी उफ किए बिना सहे जा रही है। देखा ना, ये सारे झगड़े की एक ही जड़ है, रत्ना। शुरू से अंत तक माँ रत्ना मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुकी है। मैं रत्ना के साथ बहुत आगे बढ़ चुका हूं।